दोस्तों विपक्षी गठबंधन का नाम तय हो गया है और इसके नाम के पीछे की असल वजह भी सामने आ गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बताया कि गठबंधन का नाम इंडिया क्यों रखा गया है। अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले देश की प्रमुख पार्टियां तैयारियों में लगी हुई है। बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन बनाने में जुटे विपक्षी दलों की 2 दिनों तक बेंगलुरु में बैठक हुई। इस बैठक में तय किया गया कि विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया होगा, जिसका मतलब होगा इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस। दोस्तों आप भी देखिए वायरल वीडियो और क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, आप भी सुनिए। खारगे जी, शरद पवार जी, ममता जी, बाकी ऑपोजिशन के सीनियर नेता, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। यह हमारी दूसरी बैठक है और बहुत प्रोडक्टिव काम हुआ आज, बहुत स्मूथली काम हुआ। लड़ाई बीजेपी की विचारधारा, उनकी सोच के खिलाफ है। वो देश पर आक्रमण कर रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है, देश का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। और इसलिए जब हम डिस्कशन कर रहे थे, हमने अपने आप से सवाल पूछा, लड़ाई किसके बीच में है? ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है, ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है। और इसीलिए यह नाम चुना गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है, कहने की जरूरत भी नहीं है।